नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 9 मार्च 2018। स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। कल हम न्यूज डिस्कशन नहीं कर पाए थे, सॉरी, कुछ कारणवश कुछ प्रॉब्लम थी। जो न्यूज हमारी छूट गई थी उसे हम कवर कर लेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के बारे में, क्या कंटेस्ट है। यूनियन कैबिनेट ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को 12वें 5-ईयर प्लान के साथ ही खत्म होना था, यानी 2017 में खत्म होना था, लेकिन अब इसको 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं इस स्कीम का। 1969 यानी 1969 में सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की जाती है, एक्स अंडमान पॉलिटिकल प्रिजनर्स पेंशन स्कीम। पहले आप लोकेशन देख लीजिए अंडमान एंड निकोबार की। यहां पर बे ऑफ बंगाल है ऊपर अंडमान और नीचे निकोबार आइलैंड्स हैं। और देखो, अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में काफी फेमस जेल है, सेलुलर जेल। जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय अंग्रेजों ने हमारे काफी स्वतंत्रता सेनानियों को यानी फ्रीडम फाइटर्स को सेलुलर जेल में बंद करके रखा और काफी यातनाएं दी। तो 1969 में सरकार ने कहा कि आपने काफी यातनाएं झेली आजादी के समय, आपको सेलुलर जेल में बंद करके रखा गया, तो इसलिए आपको सम्मान देने के लिए, आपको पेंशन देने के लिए हम एक स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसी स्कीम का नाम है एक्स अंडमान पॉलिटिकल प्रिजनर्स पेंशन स्कीम। ये 1969 में लॉन्च की गई थी। 1980 यानी 1980 में सरकार ने इस स्कीम को एक्सपेंड किया। पहले तो सिर्फ उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन फ्रीडम फाइटर्स को पेंशन दी जाती थी जिन्होंने अंडमान की जेल में समय बिताया, लेकिन 1980 में सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जाने लगी। और 2017-18 में सरकार ने इस स्कीम का नाम चेंज कर दिया, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। और अब सरकार ने 3 साल के लिए एक्सपेंड किया है स्कीम को, 2020 तक यह स्कीम चलेगी। इस स्कीम के अंतर्गत पेंशन दी जाती है फ्रीडम फाइटर्स को, अगर फ्रीडम फाइटर्स की डेथ हो चुकी है तो उनके स्पाउसेस को, यानी पति या पत्नी को, उनके डॉटर्स को जो अनमैरिड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर फ्रीडम फाइटर्स के पेरेंट्स को, पेरेंट्स तो मतलब अभी मुश्किल से जिंदा होंगे। तो ये स्कीम देखो अगर चलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक डिवीजन है, डिवीजन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड रिहैबिलिटेशन। अगर यूपीएससी पूछती है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यह स्कीम चलाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, 2020 तक चलेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर डिवीजन है पर्टिकुलर, डिवीजन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड रिहैबिलिटेशन। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल पार्कर सोलर प्रोब मिशन के बारे में है। नासा का यह मिशन है, पहली बार होगा कि किसी भी स्पेस एजेंसी का कोई भी मिशन सूर्य के एटमोस्फेयर में एंटर करेगा। तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन पहली बार सूर्य के एटमोस्फेयर में एंटर करेगा और सूर्य की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना को स्टडी करेगा। देखो, सूर्य की जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, काफी ज्यादा अनस्टेबल रहती है। सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड्स, ये सब इमर्ज होती रहती हैं सूर्य की आउटर मोस्ट लेयर में। तो कहां से एनर्जी मिलती है, सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स क्यों इमर्ज होती हैं, तो इन सब का रीजन ट्रेस करने की कोशिश करेगा पार्कर सोलर प्रोब मिशन। शुरुआत में इस मिशन का नाम था सोलर प्रोब प्लस, लेकिन एक काफी फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट हैं पार्कर, उनके नाम पे नासा ने इस स्पेस मिशन का नाम चेंज कर दिया और अब इस स्पेस मिशन का नाम है पार्कर सोलर प्रोब मिशन। नासा का मिशन है ये जरूर याद रखिएगा, यूपीएससी कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी। यूपीएससी पूछ सकती है क्या ये इसरो का है या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, नहीं, नासा का है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल प्रिट्जकर प्राइज के बारे में है। किसी पर्सन को आर्किटेक्चर फील्ड में एक बड़ी अचीवमेंट के लिए यह प्राइज दिया जाता है और इस प्राइज को आर्किटेक्चर की फील्ड का नोबल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राइज स्टार्ट हुआ था 1979 में और स्टार्ट किया गया था प्रिट्जकर फैमिली के द्वारा हयात फाउंडेशन की सहायता से। अभी कंटेस्ट ये है बालकृष्ण दोषी, इनको प्रिट्जकर प्राइज से नवाजा गया है। बालकृष्ण दोषी जिन्होंने काफी अच्छा काम किया लो कॉस्ट हाउसिंग में, आप एक बार स्क्रीन पे तस्वीर देख लीजिए। ये कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बालकृष्ण दोषी के द्वारा बनाए गए। यहां पर देखिए, ये अहमदाबाद की तस्वीर है और ये इंदौर की तस्वीर है। तो लो कॉस्ट हाउसिंग के डिजाइन के लिए बालकृष्ण दोषी को प्रिट्जकर प्राइज से नवाजा गया है, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल सुखद यात्रा ऐप के बारे में है। ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी NHAI के द्वारा। हाईवे यूजर्स के एक्सपीरियंस को और ज्यादा सुखद बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है NHAI के द्वारा। आप नेशनल हाईवे पर जाते हो, आपको कोई खड्डा मिलता है या फिर डिजाइन में कोई गड़बड़ी मिलती है, वो सारी जानकारी आप इस एप्लीकेशन की सहायता से NHAI को बता सकते हो। इसके अलावा
कहाँ पे कौन सा टोल प्लाजा है या फिर टोल प्लाजा पे अभी कितना वेटिंग टाइम है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आप इस एप्लीकेशन की सहायता से प्राप्त कर सकते हो और इवन फास्टैग को भी परचेज कर सकते हो आप इस एप्लीकेशन की सहायता से। तो सुखद यात्रा एप्लीकेशन के बारे में ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, जिसे लॉन्च किया गया है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इम्प्रिंट सेकेंड स्कीम के बारे में है। पहले मैं आपको इम्प्रिंट स्कीम के बारे में जानकारी दे देता हूं। देखो, इम्प्रिंट इंडिया एक प्रकार से कोलैबोरेशन है IIT और IISc के बीच। कोलैबोरेशन क्या करेगा, 10 फोकस एरियाज जैसे हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, सस्टेनेबल हैबिटेट, नैनो टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, ये 10 फोकस एरियाज सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। मतलब सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए ये 10 फोकस एरियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये 10 फोकस एरियाज कोई टेक्नोलॉजिकल या फिर इंजीनियरिंग चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो उन चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए इम्प्रिंट स्कीम सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। उन टेक्नोलॉजिकल या फिर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए IIT और IISc मिलकर रिसर्च करेंगे, R&D करेंगे, ताकि ये 10 फोकस एरियाज जो भी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए रिसर्च की सहायता से। इम्प्रिंट स्कीम के अंतर्गत एक फंड का भी निर्माण किया गया था और अब दोबारा से इम्प्रिंट सेकंड में 1000 करोड़ का एडिशनल फंड सरकार ने सैंक्शन किया है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। और ये फंड क्रिएट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, यानी साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री और HRD मिनिस्ट्री दोनों ने मिलकर एक एडिशनल फंड का निर्माण किया है इम्प्रिंट सेकंड स्कीम को लॉन्च करने के लिए। आप कह सकते हैं कि इम्प्रिंट स्कीम का फेज 2 है। पहले भी फंड का निर्माण किया था सरकार ने, अब वो फंड खत्म हो गया होगा, इसलिए सरकार ने एडिशनल फंड का प्रोविजन किया है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इम्प्रिंट स्कीम के वो सेम हैं इम्प्रिंट सेकंड में भी, यानी आइडेंटिफाइड एरियाज में रिसर्च करना या फिर जो प्रोजेक्ट्स सोसाइटी के लिए रेलेवेंट हैं इन 10 फोकस एरियाज में उनके लिए रिसर्च का प्रोविजन करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इम्प्रिंट स्कीम के और अब सरकार ने इम्प्रिंट सेकंड स्कीम को लॉन्च किया है एडिशनल फंड का प्रोविजन करके। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल नारी शक्ति पुरस्कार 2017 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, प्रेसिडेंट ने 30 वुमन को इंटरनेशनल वुमन डे के मौके पे नारी शक्ति पुरस्कार दिया। हम बात करें नारी शक्ति पुरस्कार की, 1999 में ये पुरस्कार स्टार्ट हुए थे। नाम अनाउंस किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। देखो, इस पुरस्कारों के अंतर्गत वो महिलाएं या फिर वो इंस्टीट्यूशंस या फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अच्छा काम किया है वुमन एम्पावरमेंट के लिए, तो ऐसी महिलाओं को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत 1,00,000 का इनाम मिलता है और सर्टिफिकेट भी मिलता है इंडिविजुअल्स को और इंस्टीट्यूशंस को। देखो, UPSC कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेती है कि क्या नारी शक्ति पुरस्कार इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है इसमें तो कभी डाउट होता ही नहीं, लेकिन कुछ पुरस्कार इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिए जाते हैं, यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये जब भी हम डिस्कस करें थोड़ा सा हम ध्यान रख लें, नारी शक्ति पुरस्कार इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है जो अच्छा काम करती हैं वुमन एम्पावरमेंट के लिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल नेशनल ई मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में है। हमारे देश में ई मोबिलिटी का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम के उद्देश्य हैं हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। इसके अलावा हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और उन कंपनीज को इंसेंटिव देना, एंकरेज करना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो ये सारे उद्देश्य हैं नेशनल ई मोबिलिटी प्रोग्राम के। इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा, यानी EESL के द्वारा। और देखो, जल्द ही EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जल्द ही एक टेंडर निकालेगी। इससे पहले भी EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोक्योर कर चुकी है। देखो, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोक्योर करके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पूरी की जाती है। लेकिन एक साथ अगर इतने बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर प्रोक्योर किया जाता है तो जिस कंपनी के पास ये टेंडर होता है उसको फायदा होता है, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ द स्केल आ जाती है। जिस चीज को जितने बड़े लेवल पे प्रोड्यूस किया जाएगा उतनी ही वो चीज सस्ती पड़ेगी, और देखो अगर कोई चीज सस्ती पड़ती है तो लोग उस चीज को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है EESL के द्वारा। हम बात करें
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की। तो ये एक जॉइंट वेंचर है काफी सारे पीएसयूज के बीच, जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और पावर ग्रिड। तो इन सब पीएसयूज का ये एक जॉइंट वेंचर है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसको सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। मकसद होता है एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट करना। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है निर्भया फंड की सहायता से, और ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी 2017 से 2020 के बीच। इस स्कीम के अंतर्गत 27,500 पुलिस पर्सनल को ट्रेन किया जाएगा, ताकि ये ट्रेंड पुलिस पर्सनल साइबर स्पेस में यानी इंटरनेट में वुमन और चिल्ड्रन के खिलाफ जो भी अपराध होता है दोषियों को पकड़े और उन्हें सजा दिलवाएं। इस फंड की सहायता से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा, ताकि विक्टम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता से, ऑनलाइन वेबसाइट की सहायता से शिकायतों को दर्ज करवा सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहीं पर है तो किसी के द्वारा शिकायत की जा सकती है प्लेटफॉर्म पे जाके कि देखो यहाँ इस वेबसाइट पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी उपलब्ध है, तो कंसर्न एजेंसीज उस वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई करेंगी और साइबर स्पेस से, इंटरनेट से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को हटवाएंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम के बारे में, जिसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल माइक्रोफाइबर्स पोल्यूशन के बारे में है। माइक्रोफाइबर्स काफी छोटे और पतले रेशे होते हैं, काइंड ऑफ धागे होते हैं। इतने पतले होते हैं कि किसी फिल्टर में नहीं आते, सीवरेज में इकट्ठा नहीं होते एक जगह माइक्रोफाइबर्स, इसीलिए समुद्र में पहुंच जाते हैं, समुद्र के किनारे पे इकट्ठा हो जाते हैं। और देखो जब मछलियां इन माइक्रोफाइबर्स को खाती हैं तो ये माइक्रोफाइबर्स फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि मछलियों ने खाया माइक्रोफाइबर्स को और ह्यूमन बींग्स ने मछलियों को पकड़ा। जब ह्यूमन बींग्स उन पकड़ी हुई मछलियों को खाएंगे जिन मछलियों ने माइक्रोफाइबर्स को खाया है, तो इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स इन माइक्रोफाइबर्स को खा रहे हैं। तो फूड चेन में एंटर करने के बाद ह्यूमन बींग्स की सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं माइक्रोफाइबर्स। तो माइक्रोफाइबर से संबंधित जो पोल्यूशन है वो आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था माइक्रोफाइबर पोल्यूशन के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के बारे में। उसके बाद हमने प्रीट्जकर प्राइज के बारे में डिस्कस किया। आर्किटेक्चर की फील्ड में अगर किसी पर्सन ने अच्छा काम किया है तो उसको दिया जाता है प्रीट्जकर प्राइज। आर्किटेक्चर की फील्ड का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है प्रीट्जकर प्राइज को। उसके बाद हमने पार्कर सोलर प्रोब के बारे में जाना, नासा मिशन भेज रहा है। माइक्रोफाइबर्स पोल्यूशन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम के बारे में। आगे हमने डिस्कस किया नेशनल ई मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में। नारी शक्ति पुरस्कार 2017 के बारे में हमने जाना। उसके बाद इम्प्रिंट सेकेंड स्कीम भी हमने डिस्कस की। सुखद यात्रा एप्लीकेशन के बारे में जाना। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।